अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट क्लास की बात करेंगे तो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन दो तरह का है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं हमें, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों में अंतर क्या है और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में समझते हैं। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो दो तरह के नेफ्रॉन है, टू टाइप्स, और वो कौन कौन से हैं। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, जैसे जो ये ऊपर वाला पार्ट है किडनी में, ये हो गया कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जैसे ये है बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनली बन जाएगा इसके से। अब असेंडिंग लिम्ब और ये हो गया डीसीटी, और ये जाके ओपन करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है जी। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि मैक्सिमम जो पार्ट है नेफ्रॉन का वो कहाँ पर है, वो कॉर्टिकल रीजन में है, कॉर्टेक्स में। मैक्सिमम पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में है, मेडुला में बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है इसका, ठीक है। ये डिफरेंस है कॉर्टिकल और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में। एक तो ये आपको देखने को मिल गया, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं। देखो एक बार हम जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन और बनाते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको डिफरेंस।
इस केस में जो लूप ऑफ हेनली है वो मेडुला में देखा जाता है या मेडुला में डिसेंड होता है, ठीक है, ज्यादा डिसेंड होता है मेडुला के अंदर, ज्यादा डीप देखा जाता है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन के कंपेरिजन में। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और एक इसमें डिफरेंस क्या है, एक डिफरेंस में ये है कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है या जो असेंडिंग लिम्ब है इनके चारों तरफ भी ब्लड कैपिलरी पाई जाती है और इसको बोलते हैं वासा रेक्टी। तो वासा रेक्टी जो है ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होता है। तो हम इसमें कुछ डिफरेंस लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में, वासा रेक्टे इज एब्सेंट, इसमें वासा रेक्टी नहीं होता, एब्सेंट होता है। और इनमें जो लूप ऑफ हेनली है वो ज्यादा डीपर नहीं होता मेडुला रीजन में, लूप ऑफ हेनली इज नॉट मच डीपर इन मेडुला रीजन। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वासा रेक्टे प्रेजेंट होता है, वासा रेक्टे इज प्रेजेंट और लूप ऑफ हेनली है इज मोर डीपर इन मेडुला रीजन। ये डिफरेंस है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। इसे ड्रॉ करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट जो बाकी पार्ट्स हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया था, सेकंड जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है यूरेटर। यूरेटर्स, यूरेटर की बात करें तो ये पेयर्ड फॉर्म में जो देखे जाते हैं और ये नैरो ट्यूब होते हैं जिनकी वॉल होती जो है वो मस्कुलर है और थिक है। तो हम बोल सकते हैं दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर और नैरो ट्यूब, ये पेयर्ड नैरो ट्यूब हैं और दे हैव थिक मस्कुलर वॉल, इनमें थिक मस्कुलर वॉल देखी जाती है। ये पेल्विस से स्टार्ट होते हैं और ये ओपन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। दे स्टार्ट फ्रॉम पेल्विस एंड ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर विद एन एंगल, ये एक एंगल से यूरिनरी ब्लैडर में ओपन करते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखो एक स्ट्रक्चर बना के हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको। जैसे ये हुआ यूरिनरी ब्लैडर,
इस यूरिनरी ब्लैडर में जो ये यूरेटर आ रहे हैं, ये इस तरह से एक एंगल से ऐसे ओपन करेगा। ये एक एंगल से इस तरह से ओपन कर, ठीक है, ये हो गए यूरेटर्स जो यूरिनरी ब्लैडर में इस तरीके से ओपन करते हैं। और ये करते क्या है, यूरिनरी यूरेटर्स करते क्या है, ये यूरिन को कैरी करते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाने का काम करते हैं यूरेटर्स। तो ये हो गया यूरेटर। यूरेटर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पियर शेप का मस्कुलर सैक है। इट इज पियर शेप्ड ईयर शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये पियर शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, ये यूरिन को किडनी से रिसीव करने का और स्टोर्ड करने का काम करता है। यूरिन को टेम्पररी स्टोर करता है ये। तो हम ये बोल सकते हैं इट रिसीव द यूरिन फ्रॉम किडनी बाय यूरेटर एंड टेम्पररली स्टोर्ड द यूरिन। और ये यूरिन को टेम्पररली स्टोर करके रखता है। रिली आर आई, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी नेक पर क्या होता है, इसकी नेक में दो रिंग होती हैं जो कि मस्कुलर फाइबर की बनी है और उन रिंग को बोलते हैं स्पिंक्टर। जैसे हम ये बनाते हैं, डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहां पर ये दो रिंग रहेंगी ऐसे, इनको बोलते हैं हम स्पिंक्टर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं देयर नेक हैज टू रिंग्स। इनकी नेक में दो रिंग्स होती है और ये रिंग किसकी बनी है, देयर नेक हैज टू रिंग्स मेड अप ऑफ मस्कुलर फाइबर। मेड अप ऑफ मस्कुलर फाइबर कॉल्ड, इनकी रिंग को क्या बोला जा रहा है, कॉल्ड स्पिंक्टर। इनकी रिंग को हम बोलते हैं स्पिंक्टर। और ये स्पिंक्टर
क्लोज रहता है, ठीक है, ये जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लैडर है वो कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो ये स्फिंक्टर करते क्या है, व्हेन दीज रिंग्स कॉन्ट्रैक्ट देन स्प्रिंग देन ब्लैडर रिमेन क्लोज। तब ये ब्लैडर क्लोज रहता है, ठीक है। और जब ये स्पिंक्टर जो है रिलैक्स हो जाएंगे तो यूरिन जो है वो ब्लैडर से आगे पास हो जाता है। व्हेन स्पिंक्टर रिलैक्स देन यूरिन पासिस फ्रॉम ब्लैडर, तो यूरिन जो है वो ब्लैडर को पास कर जाएगा क्योंकि ब्लैडर ओपन हो जाएगा और यूरिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है वो किसकी बनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। दी वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बनी होती है यूरिनरी ब्लैडर की वॉल। तो ये हमने यूरेटर के बारे में समझ लिया और यूरिनरी ब्लैडर को समझ लिया है। इसे नोट करें और उसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो कि है यूरेथ्रा। नोट कर लीजिए इसे, फिर यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अब। और नेक्स्ट हम जो इसका फोर्थ पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसको समझ लेते हैं। और फोर्थ वन है यूरेथ्रा, फोर्थ है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की यदि बात करें तो यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नेक से शुरू होता है और ये आउटसाइड ओपन हो जाता है एक यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं यूरेथ्रा क्या है, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है। इट स्टार्ट फ्रॉम नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक से शुरू होता है और कहां पर ओपन कर रहा है, एंड ओपन्स आउटसाइड, ये आउटसाइड ओपन करेगा बाय किसके द्वारा, बाय यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा, यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा ये बाहर ओपन कर जाता है। यूरिनरी ओपनिंग पर भी स्पिंक्टर देखा जाता है जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं यूरिनरी ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर। यूरिनरी ओपनिंग को स्पिंक्टर जो है वो गार्ड करता है, उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करेगा। देखो मेल की यदि बात करें तो मेल में यूरेथ्रा जो है
वो कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। इन मेल्स यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है, जबकि फीमेल में सेपरेट होता है। फीमेल में यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और जो वेजाइना है उसकी ओपनिंग अलग होती है। इट इज सेपरेट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के लिए या फीमेल के अंदर ये सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। इसी के साथ हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, तो चारों पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हम समझेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन किस तरह से बनता है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से होती है, इसमें तीन स्टेप है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रेशन। ये तीन स्टेप होंगे और इन तीन स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हेडिंग देते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें हमारे पास आता है यूरिन फॉर्मेशन, ये हम इसको बोल सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन फॉर्मेशन है ये तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। इट इज कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप, तीन स्टेप में पूरा हो रहा है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन या इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सिक्रीशन या इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है जी। ये तीन स्टेप हैं, इन तीन स्टेप में जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन को सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। यहां तक करके रखिए, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में तो आगे बात करेंगे। यहां तक पढ़ लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।